दुर्गा दुर्गति नासनी जय जय दुर्गा दुर्गति नासनी दुर्गा दुर्गति नासनी जय जय दुर्गा दुर्गति नासनी जय जय दुर्गा दुर्गति काली काल विनाशनी जय जय काली काल विनाशनी जय जय दुर्गा दुर्गति नासनी जय जय काली काल विनाशनी जय जय कुमार मा ब्रह्माणी जय जय कुमार मा कुमार मा ब्रह्माणी जय जय कुमार मा सीता राधा रुक्मणी जय रुक्मणी जय जय काली काल विनाशनी जय जय दुर्गा दुर्गति नासनी जय जय दुर्गा दुर्गति नासनी काली काल विनाशनी जय जय काली काल विनाशनी जय जय धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं और बहनों, समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए समय समय पर इस धराधाम पर प्रबल प्रतापशालिनी महाशक्तियों का प्रादुर्भाव होता रहा है। कविकुल कमल दिवाकर प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने श्रीरामचरितमानस ग्रंथ में बड़ी सुंदर एक चर्चा दी है। जब जब हो जब जब होई धर्म की हानि निधि सज्जन पीरा तब तब प्रभु धर विविध सरीरा वो भगवान दुष्टों का विनाश करके धर्म की ध्वजा गगन मंडल में फहराने के लिए पुरुष और कभी नारी के रूप में अवतार लेता है। एक बार ऐसा ही इस धरती पर महाअभिमानी दुष्ट महिषासुर के आतंक से समाज त्राहि त्राहि करने लगा। यह गंगा यमुना और नर्मदा का पावन देश चीख चीख कर रोने लग गया। तब जगत जननी
प्रकट होकर अनेक अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई सिंह पर सवार होकर अवतार लेती है, पधारती है और समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए, रोते हुए प्राणियों के आंसुओं को पहुंचने के लिए राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती दुष्ट महिषासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़ती है। कर मेले हथियार तब माने किया पयान, रामा माने किया पयान, माने किया पयान, हंसे देव रोए निपट महिषासुर के प्राण। से देव रोए निपट महिषासुर के प्राण। भगवती सिंह पर सवार होकर महिषासुर का संहार करने के लिए प्रस्थान करती है। राजराजेश्वरी भगवती की जय जयकार करने लग जाते हैं देवता, पुष्पों की वृष्टि करने लग जाते हैं। भगवती सिंह पर बैठकर आगे को बढ़ रही थी। चलने के समय हो रहा था ऐसा देवी का रण गर्जन, ऐसा देवी का, ऐसा देवी का रण गर्जन, मानो हो मिलकर गरज रहे नभमंडल में प्रलयंकर घन। सूरज की किरणों में पड़कर चम चम तलवार चमकती थी, चम चम तलवार, सूरज की किरणों में पड़कर चम चम तलवार चमकती थी, मेहमानों मेघों के दल में दम दम दामिनी दमकती थी। बहमानो मेघों में दल में, बहमानो मेघों के दल में दम दम दामिनी दमकती थी। भगवती के काले काले केश जाल में रत्नों की आभा, गले में मणियों की मालाएं सूर्य की किरण की तरह प्रकाश दे रही थीं तथा हाथ में थमा हुआ खंग रक्त से सना हुआ है, ऐसा प्रतीत होता था जिस समय उस खड़ग में से खून की बूंदें टपक रही थीं। देवी के पहने शस्त्रों से जो रक्त टपकता जाता था, जो रक्त टपकता जाता था, वह वीर बहूटी सा मिलकर, वह वीर बहूटी सा गिरकर आभा अपनी दिखलाता था। वीर बहुती सा गिर कर आभा अपनी दिखलाता था। सिंह पर बैठी हुई भवानी दैत्यों के दल के समूह में पहुंच जाती है, दैत्यों के दल में कूद पड़ती है। भवानी के बाघ ने बहुतेरे राक्षसों की खोपड़ियों को चबा डाला तथा अपने तीखे पंजों से दुष्टों की छातियों को चीर डाला। निज सेना का जब लखा महिषासुर ने नास, आया तत्क्षण क्रोध से देवी जी के पास। उस मायावी ने माया से भैंसे का रूप कराल किया,
उस माया बीने माया से भैंसे का रूप करा लिखिया और अपने ऊंचे नादों से भूमंडल को बेहाल किया। और अपने ऊंचे नादों से भूमंडल को बेहाल किया। मायावी महिषासुर दुष्ट भैंसे का रूप बना करके भगवती के सामने आ जाता है। उसने अपने भयंकर प्रहारों से कितनों को रौंद रौंद करके तापों से प्राण विहीन किया। महिषासुर जिस वक्त भैंसा बनकर आता है जगदम्बा के सामने, तो उसने कितनों को रौंद रौंद करके तापों से प्राण विहीन किया। कितनों ही को निज श्वासों से दानव ने संज्ञाहीन किया। महिषासुर के भयंकर आक्रमण से देवताओं में हाहाकार मच गया। देवी का हाल क्या विलक्षण था। भगवती आगे बढ़ती चली जा रही थी। भगवती का दल भी उस दुष्ट के भयंकर आक्रमण से थोड़ा भयभीत सा हो जाता है। ज्यों ज्यों महिषासुर के सैनिक हर्षित होकर चिल्लाते थे, हर्षित होकर चिल्लाते थे, त्यों त्यों ही कर भविष्य चिंता, सुरगण सब सूखे जाते थे। क्यों क्यों ही कर भविष्य चिंता, सुरगण सब सूखे जाते थे। महिषासुर के भयंकर प्रहारों से लोग परेशान हो रहे थे। देवता थोड़े सशंकित हो जाते हैं। महिषासुर के भयंकर रूप को देखकर देवी का दल थोड़ा भयभीत सा हो जाता है। दुष्ट महिषासुर ने अपने खुर से भूतल को जो वह दुष्ट खोदता जाता था, वह दुष्ट खोदता जाता था। अपने खुर से भूतल को जो वह दुष्ट खोदता जाता था, उस समय धूल से अंबर तक संसार सभी ढक जाता था। उसके सींगों की मारों से कितने ही भूदर चूर्ण हुए, उसके सींगों की मारों से कितने ही भूदर चूर्ण हुए, फटफट कर बादल कितने ही वह छिद्रों से परिपूर्ण हुए, फटफट कर बादल कितने ही बहुत छिद्रों से परिपूर्ण हुए। उड़ गए अनेकों ही तरव उसकी श्वासों की मारों से, उसकी श्वासों की मारों से उसके, और सागर भी खलभला उठा दानव के पुच्छ प्रहारों से।
उसके चलने से कप कप कर। महिषासुर जो भैंसा का रूप लिए भगवती के दल की ओर बढ़ रहा था, उसके चलने से कप कप कर, कितने ही भूमि खंड दर के, पर मंगलमय माता जी के मंगलमय बाम नेत्र फर के। महिषासुर का ऐसा भयंकर उत्पात देखकर देवी को मनाने के लिए जन समुदाय भक्त प्राणी गीत गाने लग गए। उनका हृदय भय से कांप रहा था। मां भगवती से प्रार्थना करते थे, मां इस दुष्ट के ऊपर आप विजय पाए, शीघ्र ही विजय पाए, इस दुष्ट का विनाश करें। नैया भमर में फस गई रे हो मारी मैया, नैया भमर में, नैया भमर में मैया, नैया भमर में माई, नैया भमर में मैया। नैया भमर में मैया, नैया भमर में माई, भमर में मैया, नैया भमर में माई, नैया नैया भमर में फस गई रे भारी मैया, नैया भमर में मैया, नैया मैया नैया हो भमर में मैया, नैया हो भमर में अब तो, नैया हो भमर में मई, नैया हो भमर में। सो को न खे बन हारी मैया, को न खे बन हारी मैया, नैया हे मैया, या नैया हो भमर में मैया, नैया भमर में, कौन खे बन हार रे मैया, नैया हो भमर में मैया, नैया हो भमर में फस गई रे हूँ मां, अरे को न खे बन हार रे मैया, नैया हो हे मैया, नैया हो जय मैया, नैया हो भमर में फस गई रे हो मार मैया, नैया हो भमर में, है मैया है नैया आती झांझरी रे हूँ मारी मैया, है नैया आती झांझरी रे हूँ मारी मैया, है नैया आती झांझरी, सो सूजत नाई किनार जग तारण मैया, नैया हो ए मैया, नैया हो नैया भमर में, नैया हो भमर में मैया, नैया हो
में मैया, नैया हो भमर में मैया, मैया जय जय हो मैया, मैया जय जय हो मैया। सूजत नाई किनार जग तारन मैया, नैया हो भमर में मैया, नैया हो भमर में फस गई रे हो भारी मैया, नैया भमर में। मैया मैया कैसे लगे है पारी मैया, नैया हो मैया, नैया हो भमर में फस गई। जग तारन मैया, नैया हो भमर में मैया, नैया हो भमर में मैया। किनार जग तारन मैया, हो गई सामे धार रे मैया, नैया हो ए मैया, नैया हो भमर में फस गई रे हो मैया, नैया हो भमर में फस गई रे। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। इस प्रकार दीन दुखियों की पुकार को सुनकर माँ का हृदय द्रवीभूत हो गया। सुनकर देवों की विनय मंगलमय जगदम्ब, महिषासुर को मारने उठी शीघ्र अवलम्ब। महिषासुर को मारने उठी शीघ्र अवलम्ब, भगवती भक्तों की पुकार को सुनकर अवलंब दुष्टों का संहार करने के लिए चल पड़ती हैं। माता ने पास बद्ध कर जाओ, उस खल पर शस्त्र प्रहार किया, उस खल पर शस्त्र प्रहार किया। तब उसने अंग बढ़ा करके के हरि कैसा आकार किया, तब उसने अंग बढ़ा करके के हरि कैसा आकार किया। जब वह शेर बनकर आया और शेर बनकर जब झपट लगाता है तो माता का सिंह भी उस महिषासुर को देख करके, जो सिंह बना हुआ था, इधर भगवती का सिंह भी दहाड़ने लगा और उसे खाने को झपटा, तो वह पुरुष बनकर आया और तलवार लेकर युद्ध करने भगवती के सामने आ जाता है। मां भगवती ने, माता ने क्रोधित हो मन में उस पर तलवार चलाई, जब उस पर तलवार चलाई, जब माता ने क्रोधित हो मन में उस पर तलवार चलाई, जो बन गया पुरुष से हाथी सा, वह महिषासुर मायावी खल। बन गया पुरुष से हाथी सा, बन गया पुरुष से हाथी सा, वह महिषासुर मायावी खल। वह दुष्ट पुरुष सरीखा बनकर के महिषासुर सामने आता है और अब तो थोड़ी देर के बाद भगवती की तलवार के सामने जब वो अपने आप को समर्थ न पा सका
तो वह विकराल हाथी का रूप बनाकर अपनी लंबी सूंड से भगवती के सिंह को पकड़कर ऊंचा उठाकर धरती पर पछाड़ देता है। तब भगवती के सिंह की गर्जना भी थोड़ी मंद हो जाती है। जगदम्बा भी दांत पीसती हुई क्रोधित हो, जब पकड़ सूंड से के हरि को उस खल ने तत्क्षण मौन किया, जब पकड़ सूंड से के हरि को उस खल ने तत्क्षण मौन किया। जाओ पकड़ दुष्ट ने, जाओ पकड़ सूंड से के हरि को उस खल ने तक्षण मूक किया। परमा ने खड़ग चला करके सूंड को बहा दो टूंक किया, परमा ने खड़ग परमाने खड़ग चला करके सूंड को बहा दो टूंक किया। जिस समय दुष्ट ने अपनी सूंड से पकड़ के सिंह को धरती पर पटका तो मां को भी बड़ा क्रोध आया और अपनी तीक्ष्ण धार वाली लपलपाती धार वाली तलवार लेकर मां झपटी और दुष्ट महिषासुर जो हाथी बना हुआ था उसकी सूंड को दो टुकड़े कर देती है। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। यह देख दुष्ट ने अपना फल, पहले कैसा आकार किया, पहले कैसा आकार किया। यह देख दुष्ट ने अपना फिर, पहले कैसा आकार किया, फिर माँ की सेना पर फिर से अपने सींगों का वार किया। माँ की सेना पर फिर से अपने सींगों का वार किया, फिर माँ की सेना पर, फिर माँ की सेना पर फिर से अपने सींगों का वार किया। दुष्ट महिषासुर भैंसा बनकर अपने लंबे लंबे सींगों का प्रहार करने लगा, जिससे बड़े बड़े पेड़ जड़ सहित उखड़ कर ढह जाते हैं। उस समय माता ने जलपान करके और उसे युद्ध करने को रोका। मैं अभी थोड़ा जलपान करूंगी। अरे दुष्ट,